वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम अंशिका एंड यू आर वॉचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका। आज हम लोग को बहुत सारे काम है, बहुत दिनों बाद मेरा व्लॉग शूट हो रहा है क्योंकि मैं आजकल शॉर्ट्स पे फोकस कर रही थी। एंड थैंक यू सो मच मेरी शॉर्ट्स को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना ज्यादा प्यार देने के लिए, थैंक यू सो मच। वो छुकी हुई मिर्चों ने तो जादू ही कर दिया है, सबको बहुत पसंद आई। सो थैंक यू सो मच, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहिए, मेरी वीडियोज को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, बहुत अच्छा लगता है। अभी बहुत सारे काम है, अभी आज मतलब अभी दो तीन दिन से सुशांत भैया आए हुए हैं बैंगलोर से, तो आज हम लोगों को उनके साथ बहुत सारा जगह जाना है। सबसे पहले तो जूडियो जाना है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है। मुझे वो बड़ा अच्छा लगा कैजुअल वियर्स के लिए, तो मुझे अपने लिए भी चीजें खरीदनी है, कुछ घर के लिए चीजें खरीदनी है। एंड अभी मिस्टर मेरीवाल हमारे साथ नहीं जाएंगे, सिर्फ मैं, सुशांत भैया और वेदिका जाएंगे। वेदिका अभी तक नहाई भी नहीं है क्योंकि वो बस खेल में लग रही थी अपने चाचू के साथ। तो अभी हम लोग निकलते हैं जूडियो के लिए, उसके बाद आज हम लोग जाने वाले हैं थलासा, जो गोवा का सबसे बेस्ट प्लेस माना जाता है। वहां तो हम लोग शाम के टाइम जाएंगे शायद, पर उससे पहले भी हमें एक दो काम है, तो हम वो सब कुछ निपटा के आपसे मिलते हैं। मतलब मैं पहले आपको जूडियो में मिलती हूँ, मैं आपको दोबारा से रिव्यू दूंगी जूडियो का क्या है कैसा है, और फिर मैं आपको दिखाऊंगी मैंने क्या क्या शॉपिंग करी। सो बाय बाय। चलो नहीं नहीं वे तो नहीं नहीं प्लीज प्लीज वे तो घूमी घूमी नहीं जाना चाचू साथ। बाय, फिर मैं जाऊं। बाय 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 वेदी, आई एम गोइंग बाय। अभी पूरा का पूरा मैस हो रखा है, बेड भी लगाना है, मैडम को नहलाना है, मैडम इज नॉट रेडी टू गो। अभी वेदू का स्क्रीन टाइम चल रहा है, वेदू आईपैड देखने बिजी है। को इतना पसंद है ये, अब गुस्सा होगी क्योंकि मैंने चेंज कर दिया। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सिंपल सी टी शर्ट और जीन्स पहनी है क्योंकि कंफर्टेबल रहना है। सिर्फ अभी हम लोग स्टूडियो आ रहे हैं और वेदू भी रेडी है। मम वेदू करा बस, चलो 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 सुशांत भी अभी रेडी है, हम लोग निकलते हैं स्टूडियो के लिए। चलो लेट्स गो। डर गई। आ गए हम स्टूडियो पे। चाचू का है? लो चाचू फंस जाओगी। मेरे को ना ऐसी ही टी शर्ट चाहिए थी एंड हेयर दे आर, लेट्स सी कितने की हैं। 199 ओनली, तो मैं लार्ज साइज ले लेती हूँ। मतलब वैसे मुझे मीडियम आता है बट आई लाइक ओवर साइज टी शर्ट्स। एंड यहाँ पे ना ये लोअर्स कह सकते हैं, मुझे बहुत कूल लग रहे हैं, ये कॉटन के हैं और ओनली 500 एंड आई थिंक कुछ ऑफ भी चल ही रहा है, सो मैं ये लेने वाली हूँ। ये दो टी शर्ट्स ली हैं, ये 199 की हैं। और अब आतंक बालक, उसको यहाँ बैठना भी है। व्हाट आर यू डूइंग वेदू? शिट, गिव मी। अच्छा मैं लगाती हूँ। कहाँ लगाना है? कहाँ लगाना है? लाओ मैं लगाती हूँ, लाओ दो। कहाँ लगाना है? गिर जाएगा। वहाँ पे एक प्यारा सा नॉटी सा बेबी था, ये भी ना वेदिका को देख के बड़ा खुश हो गया। और पता नहीं ये लोग क्या ही कर रहे थे, वहाँ से चीज़ें उठा उठा के एक दूसरे को दे रहे थे। तो कुछ भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, मैंने सिर्फ दो टी शर्ट्स ली हैं, वो भी मेन सेक्शन से ओवर साइज्ड, एंड दो नेल पेंट लिए हैं ब्राउन कलर, मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। और यहाँ देखो वेदू कितना परेशान कर रही है, इसने लिप ग्लॉस ले रखा है, इसको बस ये हो रहा है कुछ कुछ चाहिए। हाँ
रेडी हो गई और मैंने ये टॉप पहना है, आपने पहले देखा होगा, पर अभी हमें निकलने में टाइम लगेगा क्योंकि हमारी कल वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई थी और आज उसको सर्विस सेंटर से क्लीन मतलब सही करने के लिए आए हैं। वेदू रेडी नहीं होके दे रही है, वेदू नहीं रेडी होना, कहाँ चले जाते हो पता नहीं क्या है। तो अभी फिलहाल 3 बज गए और भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। हम लोगों ने पहले सोचा था डायरेक्ट वहीं जाके खाएंगे, बट अब भूख लग रही है और हमें बीच में कुछ काम भी है। तो मैंने सुबह सुशांत भैया के लिए स्पेशली आलू के पराठे बनाए थे, तो अब मैं वही थोड़ा सा उसका बैटर बच गया है, मसाला बच गया है, तो मैं उससे सैंडविच बनाने वाली हूँ जल्दी से। जुगाड़ू वाला काम, ये मेरी आटा ब्रांड और ये, और जल्दी से टोस्टर में रख के थोड़ी सी कॉफ़ी बना के, मेरी का वाटर बॉइल हो रहा है क्योंकि दूध तो लेके जाना पड़ेगा, और बस मैडम नहीं ना आ रही है वरना सब रेडी है। तो जी हम आए हैं टोयोटा के शोरूम पे क्योंकि सुशांत भैया लेने वाले हैं एक कार और हम लोग अभी टेस्ट ड्राइव के लिए आए हैं। भैया को पसंद आ रही है कौन सी? सुशांत भैया हाई राइडर, ठीक है, वो भैया को पसंद आ रही है, पर अभी हम एक दो गाड़ी में कंफ्यूज है, मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन सी है। वेदू जा रही है अपने चाचू को कार दिलाने। हाँ चेंज हो चुकी है, भैया इधर है और योगेश जी इधर है, अब योगेश जी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं। कैसी लग रही है भैया, कैसी फील आ रही है? मजा आ गया ना, कार में चला के देखी थी मैंने, थार की टेस्ट ड्राइव ले ली, इसकी भी ले ली, सबसे ये ज्यादा अच्छी है। था मतलब थार भी अच्छी है पर थार हम रेगुलर नहीं यूज कर सकते, उसका पर्पस अलग है, हमें ये ज्यादा अच्छी लग रही है। एंड स्पेस इतना है, टिक्की कितनी ज्यादा बड़ी है इसके पीछे देखो, वेदू तो सुपर सुपर मोड में है, बढ़िया पिकअप है, टॉर्क ज्यादा सही है, बाद में शेड आ गया है। कैसा फील दे रही है आपको, कैसा लग रहा है ड्राइव करने पे? कंफर्टेबल है? अब शायद हम कर सकते हैं वाइरल, सेल्टोस भी चलाई थी, सेल्टोस से ज्यादा स्मूथ है गाड़ी, पर अभी भी हम एक दो में तो कंफ्यूज है ही। मारुति वाली की भी सेम है वो भी गाड़ी, लेकिन महंगी है वो शायद थोड़ी। चलो फिलहाल देखते हैं क्या बात बनती है। निक्की भी काफी ज्यादा बड़ी है यार, काफी ज्यादा। तो कुछ कह रही है मेरे को टेस्ट ड्राइव लेनी है। नो नो डोंट टच बाबा, बाबू नो वे तो नो। मारुति पे क्यों आए हम? ग्रैंड विटारा सेम मॉडल है, मतलब सेम इंजन है, सेम इंजन है, टोयोटा का वो उसका इंजन और इसका इंजन सेम है, ये वाली है। तो जी आ गए हम थलासा, सबसे पहले वहाँ पे ये स्टैम्प लगता है एंड उसके बाद आपकी एंट्री होती है, बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। अधिकतर आप लोग मास्टर शेफ देखते ही होंगे, तो ये थलासा वही जगह है जहाँ अभी लेटेस्ट एपिसोड शूट हुआ है मास्टर शेफ का, और मैं यहाँ पे पिछले 2-3 साल से जाना चाहती थी। आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि मुझे यहाँ जाना है, ग्रीस की वाइब से नहीं जा पाए, मतलब जैसा वहाँ पे है बिल्कुल वैसा ही यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, सब कुछ वाइट है, बहुत अच्छी थीम है, बहुत अच्छा लगा उधर जाके, मतलब इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. तो यहाँ पे हमको अपनी आईडी देनी पड़ती है एंड मोबाइल नंबर देना पड़ता है फॉर द सिक्योरिटी। यार जाते टाइम याद दिलाके दे वापस। अभी तो हम लोगों ने मंगाया पेरी पेरी फ्राइज एंड पेरी पेरी चिकन, एंड मैंने वहाँ पे मंगाया था अपना फ्रैपे विच वॉज वेरी डिलीशियस, बहुत अच्छा था, बहुत टेस्टी। मेरी तो कोल्ड कॉफी है।
The best thing of the Thalassa is the view. इतना खूबसूरत है और वेदिका इतना enjoy कर रही थी वहाँ उसने एक friend बना ली थी and they both were dancing. बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके, बहुत अच्छा experience था. Finally here we are at Thalassa, the most happening place of Goa. और इतना प्यारा लग रहा है यहाँ पे. जितना भी hype है ना Thalassa की, worth it है. अभी हम लोग बहुत देर नहीं रुकेंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा loud music हो जाता है, which is not good for वेदिका. तो हम लोग टाइम से निकलेंगे एंड बट फर्स्ट एक्सपीरियंस है यहाँ का और बहुत अच्छा है. लाइक द क्लाउड इज वेरी गुड, द पीपल इज वेरी गुड, द फूड इज गुड. एंट्री पे ही ना वहाँ पे कुछ स्टॉल्स भी थे, मतलब ज्वेलरी के, ड्रेसेस भी बहुत सारी थी वहाँ पे, स्लीपर्स वगैरह, मतलब एवरीथिंग वाज देयर. अगर किसी को एक्सप्लोर करना है तो वो एक लोकल मार्केट टाइप का था, विच इज़ वेरी नाइस. तो अगर आप लोग गोवा आ रहे हैं तो प्लीज़ Thalassa ज़रूर आना. मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी, इफ़ यू गाइज आर लुकिंग फॉरवर्ड टू चेक द वाइब, तो आपको ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए. बहुत खूबसूरत जगह है. मैं तो यहाँ पे नाइट भी डेफिनेटली इंजॉय करना चाहती हूँ, बट अभी वेदिका छोटी है तो नाइट इंजॉय नहीं हो सकती. Thalassa ने इतने सारे अवार्ड जीते हुए हैं, ये चीज़ मुझे बिल्कुल नहीं पता था. लास्ट में जब मैं निकल रही थी तब मैंने उनकी वॉल देखी, वहाँ पे इतने सारे अवार्ड्स लग रहे थे. सीरियसली बहुत अच्छी जगह. तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना.